काल भैरव बाबा यहाँ पे मदिरा पान चढ़ता है ना, तो ये बोला डायरेक्ट कि हम बुगाटी करेंगे, सिग्नेचर हम करेंगे, दो बूंद बाबा को देंगे, बाकी बूंद अपने अंदर लेंगे प्रसाद के तौर पे। देखो क्या हो रहा है कन्हैया तुम्हारे साथ, सीधा लिए गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। वापस से एक नया वीडियो में आपका स्वागत कर रहा हूँ। फिलहाल अभी हूँ मैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में। तो गाइज लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा हो जाके यहाँ तक आने का, तो फिलहाल अभी रूम में है, कमरा में है, जहाँ मैं कमरा लिए थे यहाँ पे उज्जैन में। और अभी यहाँ से जस्ट देख लो यहाँ पे 7:15 हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। फिलहाल अभी यहाँ से हम और कन्हैया और जो साथ में थे फिलहाल वो तो नीचे चले गए, बट हम जल्दी से नीचे जाना होगा मेरे को भी, क्योंकि अभी जाके हम सब पूजा करने के लिए जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर। 7:16 हो चुका है, यहाँ फिर से ताला कन्हैया ही लगा रहा है। अभी मॉर्निंग का समय है, ऊपर से कोहरा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। देखो होटल से निकल चुके हैं बाहर, दिखाते हैं खुद ही बाहर जाकर। देखो ओ भाई साहब, देखो उज्जैन जंक्शन से क्रॉस कर रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस, आगे दिख रही होगी यहाँ पे देख लो। लोग स्टेशन के जस्ट बगल में ही आप होटल ले लिए थे और वहाँ से 1 किलोमीटर के रेंज में अपना मंदिर भी है। हाँ बस महाकालेश्वर मंदिर 1 किलोमीटर के रेंज में है, बस बस यहाँ से पैदल ही निकल पड़े। देख लो क्या 25 दिसंबर को हम लोग पटना से चले थे, छब्बीस दिसंबर को हम लोग 6 बजे के आसपास, और 24 दिसंबर को अपना होम टाउन से चले थे। हर दिन एक एक दिन करते करते 27 दिसंबर हो, आज 27 दिसंबर हो चुका है और आज पहुंचे हैं बाबा के नगरी। बाबा का नगरी से कब निकलते हैं सब कोई पूजा पाठ करने के बाद यहाँ से। क्या अभी जस्ट तुरंत इधर से एंट्री किए, साथ में कन्हैया इधर है और मैं तो आपको दिख ही रहूँगा, जस्ट आगे में देख लो दो भैया यहाँ पे मौजूद है। बस हम 4 ही जने अंदर अभी एंट्री करेंगे, देखते हैं क्या दर्शन होता है नहीं होता, वो सब चीज़ आपको दिखाएंगे। तो आगे का व्यू देख लो इस तरफ का, क्या नज़ारा है खूबसूरत यार अंदर में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंदिर प्रांगण के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी उससे पूरा शुद्ध और स्वच्छ नज़ारा देखने को, वातावरण भी शुद्ध मिल रहा है देखने को। देखो रात का व्यू कुछ ऐसा था, देखो यहाँ पे हर छोटा छोटा शिवलिंग से एक बड़ा शिवलिंग बनाया गया इस तरफ, दिखाई दे रहा होगा। बस रास्ते चलते जा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले ही व्यू दिखा दिया था नाइट व्यू, कि नाइट में कैसा व्यू आता है। अब ना आपको दिखाऊंगा अच्छा से, क्या जी दिन का व्यू, इसीलिए पहले आ गए थे यहाँ पे। आप भी कभी आना तो पहले रात में ज़रूर आना, उसके बाद फिर मॉर्निंग में अपना पूजा करने के लिए। चलो जय महाकाल, जय महाकाल। मेन गेट यही है, इसके अंदर जस्ट आप शुद्ध हो जाओगे अंदर एंट्री करने के बाद। देखो वो दोनों शुद्ध हो चुके हैं, हम दोनों होने वाले हैं कुछ देर में। देखो गाइस हो गए हम भी शुद्ध, और यहाँ पे देखो पहले एंट्री करोगे तो यहाँ पे देखो त्रिशूल का डमरू का सबका दर्शन मिलेगा आपको। क्या भाई सरनप्पा मजा आ रहा है अभी? चलो वो अब एक बार में हम नाम उसका बोल लिए। मारती के लिए रसीद कटा जाता है, हाँ भैंस मारती के लिए पहले 10-15 दिन से बुकिंग कराया जाता है, ये बात याद रखना। अगर आप लोग हम कल कर रहे थे ना भैंस मारती, जस्ट देखना है भैंस मारती, तो उसके लिए आपको वहाँ पर ही हाँ, कैमरा दिया जाएगा वहाँ पर। देखो वहाँ पर देख रहा है सब, देख सकते हैं उनमें कुछ चार्ज लगेगा, हाँ 150-150 जो लगा, तो उसमें आप आराम से वीआर द्वारा भैंस मारती दर्शन होगा वहाँ पे। देखो दिखाते आपको, देख लो वीआर के द्वारा दर्शन कैसे हो जाए। देखो सबके आँख में लगे हुए ना, वहाँ देखो लिखा हुआ है टिकट काउंटर, टिकट काउंटर वीआर द्वारा भैंस मारती दर्शन निःशुल्क डेमो। हमारे कन्हैया जी इधर मौजूद हैं, बस बस रील बन गया इसका, स्टोरी बन गया बन गया स्टोरी, तुरंत स्टोरी बना के अपलोड कर देता है इंस्टाग्राम पे, मतलब आँख बंद करके डायरेक्ट सीधा स्टोरी में घुस जाता है। हम दो बचे हैं यहाँ और दो कहाँ गए इसका कोई अता पता नहीं है अभी। पता नहीं, पता भी चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा पता चल जाएगा पीछे यार ना चल जाएगा देखने में। बस 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 इससे आवाज आता है महादेव महादेव। ओ हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव। देख भाई अंदर में भी यहाँ पे महाकालेश्वर भक्त निवास, तुम्हारे लिए अंदर भी निवास स्थल दिया हुआ है, बताओ। ओ भाई गॉड, मंदिर के अंदर प्रांगण में भी दिया हुआ है सब चीज। क्या बोलती पब्लिक? जय श्री महाकाल। कमेंट में जय महाकालेश्वर जरूर लिखें, ठीक है।
तो गाइस ये जो आप लाइन देख रहे हो ना इधर, इस लाइन से ही महाकालेश्वर बाबा महादेव का दर्शन होने वाला है। और इस लाइन में हम सब प्रवेश कर चुके हैं, देख लो सीधा जा रहा है ना, देखो बाबा महाकालेश्वर मंदिर देख लो भाई साहब। ये रही स्टार्ट हो चुकी है रफ्तार हमारे लोग के दर्शन का, देखो इधर जब कर रहा था। हाँ अस्पताल में ही घूम गया क्या वो, इधर आओ लाइन लाइन लगी बोली जय बोले महाकाल। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ स्टोरी, मतलब इसमें सर टकरा जाएगा स्टोरी कारण। हर हर महादेव सम हर हर महादेव सम। यहाँ तो घूमने के बाद मन मस्त हो गया, अब चलते हैं डायरेक्ट यहाँ से सीधा बाहर की ओर। और उधर देखो कन्हैया फिर से स्टोरी सेल्फी पे लगा हुआ है, और इधर बाहर से देखो कैसा व्यू आ रहा है दिन में, ठीक है देखो, मतलब दिन में कुछ यूनिक ही व्यू है और रात के समय कुछ अलग व्यू होता है। देखो यहाँ ये दोनों बंदे को सिर्फ स्टोरी 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 स्टोरी, इसको कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी। चलिए आ जाइए आ जाइए। तो यहाँ सीधा हम निकलते हैं बाहर की ओर, बस सीधे जाते ही हैं, जा ही रहे हैं। कहाँ जाएंगे पता है? कहाँ जाएंगे तो बताओ ना, हमको नहीं पता, तुम लेके जाओगे ना, कहाँ जाएंगे बताओ। हम लोग जा रहे हैं जहाँ बाबा में जल अर्पण करें मदिरा का, वहीं काल भैरव मंदिर मदिरा अर्पण करेगा बोल रहा है, पता है का चीज़ हम बताएं बोल रहा है कि हम बुकाटी अर्पण करेंगे जब बाबा भैरव पर, काल भैरव कौन बाबा कौन है, काल भैरव बाबा, काल भैरव बाबा पर यहाँ पे मदिरा पान चढ़ता है ना, तो ये बोला डायरेक्ट कि हम बुगाटी करेंगे, सिग्नेचर एकदम करेंगे, दो बूंद बाबा को देंगे बाकी बूंद अपने अंदर लेंगे प्रसाद के तौर पे, मतलब बाबा जी को भी बदनाम करेगा इसके बाद में ले जाइएगा देखो यही करेगा, अगर करेगा तो यही करेगा निश्चित है, चुपके से दिखाएंगे आपको। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो बारह ज्योतिर्लिंग में पूरा भारत का नक्शा में बनाया गया है, यहाँ पर देख लो जगन्नाथपुर इधर है, इधर देखो यहाँ रामेश्वरम, यहाँ है श्रीलंका। तो चलो अब चलो सिनरप्पा भारत माता मंदिर हम लोग है, भारत माता मंदिर के पास अभी हम लोग हैं, देख चलो अब यहाँ से निकलते हैं सीधा लिंग का जो दर्शन है ज्योतिर्लिंग, ये सब देख लो यहाँ पे है, देखो मस्त बना रखा है यहाँ पे, और देख लो ये भारत माता मंदिर से नीचे का व्यू कुछ ऐसा है। तो गाइस फाइनली अब यहाँ से निकल चुके हैं काल भैरव मंदिर के लिए, क्या काल भैरव मंदिर के लिए निकल चुके हैं, यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ा क्योंकि वहीं हमको प्रसाद चढ़ाना है। हाँ यहाँ पर चढ़ाने का अलाव भी नहीं था ज्यादा, मतलब यहाँ पर चढ़ा नहीं पाते, छूने नहीं दिया जाता, छूने नहीं दिया, दूर से देखा दिया जाता है, ये बात है दूर से, पर देख देख के किलोमीटर पे दूर पे वो मैं क्या बोलता कौन मंदिर है काल भैरव का, काल भैरव का वो 6 किलोमीटर, तो वहाँ जाएंगे देखेंगे क्या होता है, पूजा संपन्न करने के बाद वहाँ पर ही दर्शन करना हो गया संपन्न, यहाँ जस्ट बाहर ही निकल देखो गेट पास आ गए, अब क्या चाहिए वहाँ पर संपन्न करने के बाद वहाँ मिलेंगे, उसके बाद आपको
वहाँ का व्यू दिखाते हैं, आगे का दर्शन दिखाते हैं। चलो आगे निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं काल भैरव मंदिर। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर और भैया हमको टोटो भी चला कर जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली आ गए हैं अब काल भैरव के मंदिर और अभी देखो भाई लोग जा रहे हैं यहाँ पूजा करने के लिए और हम और कन्हैया इधर साथ में हैं। सही बात है, उसकी कीमत ज्यादा भी नहीं। ये सृष्टि हैदर कन्हैया जी देखो ये है प्रसादी मैकडोनल्ड काल भैरव मंदिर। ये है ना, ये प्रसादी के लिए ठीक साइज है, ये प्रसादी के लिए ठीक साइज है, ये वाला ठीक साइज नहीं, इसके लिए ठीक साइज है। हाँ ये प्रसादी के लिए डलिया मट रहा है, ये ठीक है। हाँ और ये सब ठीक नहीं है, खिलाते हैं ना भाई लोग। देखो क्या हो रहा है कन्हैया तुम्हारे साथ, सीधा लिए ये का प्रसाद तो चढ़वे किया, इस सब का प्रसाद तो ऐसे ही रह गया, सिर्फ दर्शन करने हैं तू था वहाँ ना। तो फाइनली काल भैरव का यहाँ दर्शन हो चुका है और पता है प्रसादी में कुछ नहीं चढ़ता है, सिर्फ मदिरा चढ़ता है। एक बज रहा है, एक बज रहा है, देखो कैसे बजेगा, देखो इसको ऐसे करना पड़ता है, ऐसे किया इसको पता ना, देखो घर आए थे महाकालेश्वर मंदिर से तो लेट चुके थे, आराम वगैरह कर लिए थोड़ा बहुत और उसके बाद फिलहाल हम सब आ चुके हैं फिर से। अभी रात के बज रहा है, देख लो कितना, 9:09। हाँ तो हम लोग छिपरा नदी आए हैं, तो हम लोग सोचे थे कि आए हैं तो छिपरा नदी घूम ले, राम मंदिर भी, राम मंदिर बगल में आगे में है और इधर देख सकते हो यहाँ छिपरा नदी है पूरा, देखो। अरे यार वो जादू है, ये ठेस लग जाता है। जय नाओ महाकालेश्वर से मिलो, उसके बाद आराम कर लो शाम में, सुबह सुबह निकलो 7 बजे महाकालेश्वर मंदिर, उसके बाद आराम कर लो आकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीघा ये एकड़ में ज़मीन पूरा फैला हुआ है हमारे महाकालेश्वर मंदिर का, ठीक है। और उसके बाद शाम के समय आराम वगैरह करने के बाद शाम के समय आप सवेरे भी निकल सकते हो, फिलहाल अभी देखो हम सब निकले कितना बजे, 9:12 में, और आप सब निकल सकते हो पता है कम से कम 5-6 बजे निकलना शाम के समय, शाम का व्यू कुछ और भी मस्त आता होगा यहाँ का। क्या बोलती पब्लिक को, पब्लिक को ये बोलती कि यहाँ पर ही घूमने आना, तो हम लोग तो गलती कर दिए शाम में आके, मतलब हम लोग थके हुए थे इसलिए थोड़ा सोचे कि देखिए कि हम लोग पास टाइम नहीं, और पर हम लोग कल ट्रेन 5 बजे शाम में है और लेट, और इसलिए कहाँ घूमने हैं, तो बगल में देखे थे कि छिपरा नदी नहीं घूमे थे, लेकिन पता है शिवलिंग बहुत है यहाँ पे, हर जगह आपको शिवलिंग और हर साइड में जस्ट पानी मिलेगा उसके साथ शिवलिंग के साथ। देखो छिपरा नदी के बगल में बसा कुछ मंदिर है जो काशी विश्वनाथ है, श्री काशी विश्वनाथ, श्री रामेश्वर है, रामेश्वरम रामेश्वर है। हाँ जैन भी एक महाकाल के मतलब भक्ति में, मतलब बहुत सारा मंदिर है, मतलब घूमने लगा आपको बहुत सारा मंदिर। देखो श्री छिपरा गंगा मंदिर यही है, उधर देखो मंदिर वहाँ है, फिर वहाँ है, फिर वहाँ है, वहाँ है, ये है मुख्य द्वार यहाँ से नहाने वगैरह के लिए, स्नान करने के लिए। हम दूर न होना संभव, गले में सारे तावीज डालकर देख लिए, बस बस, पर जो तेरी याद को मिटा सके भोले वो धागा मिला ही नहीं, लोग कुछ और समझ रहे हैं महादेव। भाई साहब आप कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट रूम में? हाँ तो रूम तो यहाँ ही है, देख लो ये 1, 2, 3 इसी में पूरा अंदर तक गया हुआ है ना। ये 11, 12, 13, 14
कितना तेजी भाग रहा है बताओ तो। यहाँ देख लो क्या स्थिति बना के रखे हुए हैं, पूरा एकदम फुल पैसा वसूल। क्या करें यार, मजा आ गया। चलो वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। एंड आपको आज पूरा टूर कैसा लगा देखने में, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। ये देखो ड्रेस चेंज हो रहा है।